बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि रमज़ान आने वाले हैं और मैं रमज़ान की ही तैयारियां कर रही हूं, तो आज मैं आपके साथ समोसा और रोल पट्टी की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसके लिए हमें ये इंग्रेडिएंट्स चाहिए। मैदा आधा कप, आटा 3 टेबल स्पून, ऑयल 1 टीस्पून, नमक और हसब ज़रूरत पानी। अब हम मैदा इसमें डालेंगे, आटा भी इसमें डालेंगे और नमक ऐड करेंगे। अब हम अपनी मैदा गूंदना शुरू करेंगे। मैदा को सख्त रखते हैं वरना रोल पट्टी फट जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा मैदा तैयार है और काफ़ी सख्त है, जैसा हमें चाहिए था। मैंने मैदा के साथ आटा इसलिए ऐड किया था कि हमारे समोसे खस्ता बने। अब हम इसे रख देंगे 15 मिनट के लिए। आप देख सकते हैं कि हमारी मैदा बिल्कुल तैयार है। अब हम समोसा और रोल पट्टी बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले थोड़ा मैदा डालेंगे, इसको हम बेल के और टेढ़े कटिंग करके रख लेंगे और फिर छोटे बड़े बना लेंगे और फिर रोटियां बेलेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं हमने पेड़े बना लिए, अब हम रोटी बनाना शुरू करेंगे। रोटी हमारी चारों तरफ से एक जैसी होनी चाहिए, इसके किनारे भी मिलने चाहिए। हमारी रोटी बिक चुकी है, अब हम इसी तरह पांचों रोटियां बेल लेंगे। बेल लिए, अब हम इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा ऑयल लगाएंगे।
ताकि ये चुके ना, और उसके ऊपर थोड़ी सी मैदा छिड़केंगे। और इसी तरह सारी रोटियां रख देंगे। इसी तरह हम सब पर ऑयल लगाएंगे और मैदा डालते हैं। पाँचों रोटियां तले पर रख दी हैं, अब हम इसको थोड़ा सा बेलेंगे। और फिर तवे पर पकने के लिए रख देंगे। अब हम इसको 30 सेकंड के लिए पकाएंगे, फिर इसको पलट देंगे, फिर दूसरी साइड से भी 30 सेकंड के लिए पकाएंगे। अब हम दूसरे साइड से इसको पलट देंगे। रोटी पक गई है, अब हम इसको उठा लेंगे। हमने सारी रोटियां अलग कर ली हैं, आप देख सकते हैं हमारी सारी रोटियां तैयार हैं। हम पहले इसको सेंटर से कटिंग करेंगे। कटिंग को हम रखेंगे, ज़ाया नहीं करेंगे, ये पापड़ी बनाने के काम आएगी। पहले हमने सेंटर से कटिंग की, फिर हमने 8 इंच ऐसे कटिंग करनी है, हमने 3.5 इंच हमने ऐसे लिया। अब हम इसको 8 इंच से कटिंग करेंगे। इसकी लंबाई 8 इंच है, चौड़ाई 3.5 इंच है। ये हमारी समोसे की पट्टी तैयार हो गई है। हमने रोल के लिए कटिंग की है, इसको यहाँ से लिया, 7 इंच यहाँ से लिया, 7.5 यहाँ से लिया, हमने ये रोल की पट्टी काटी है। इसको अब हम इस तरह रोल बनाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी रोल पट्टी तैयार हो चुकी है। आप भी बनाएं, ज़रूर ट्राई करें, बहुत आसानी से बन जाती हैं। और आप इसको बनाकर फ्रीज करें, 2 महीने तक आराम से रह सकती हैं।
वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।